हाँ भाई, देखिए आज हम करेंगे सम्मिश्र समाकल का मापांक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो देखिए प्रमेय है अपने पास में थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट है कि यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन एफ जेड संतत हो तथा मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल देन एम फॉर ईच ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी, तो मॉड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल देन एम एल होता है, इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखिए भाई इसको प्रूव अब हम लोग करेंगे। तो इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे ध्यान देना भाई। अब आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड ये हुआ करता है समीशन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एफ समीशन एफ जाई आर आर इक्वल टू वन टू एन और इंटू जेड आर माइनस जेड आर माइनस वन, यही होता है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन आपके पास में जो होता। अब इसमें देखिए इसका मापांक हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो अब चूंकि मॉड एफ जेई आर इंटू जेड आर माइनस जेड आर माइनस वन, इसको हम लोग हल करते हैं भाई। इसको हल करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप लोग एक बार, तो ऐसा मॉड एफ जेई आर और इंटू मॉड जेड आर माइनस जेड आर माइनस वन। अब देखिएगा आपको दिया गया है कि मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल देन एम है। अब ये फॉर ईच ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि जेड के प्रत्येक मान के लिए मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल देन एम है। तो यहाँ पर जो जेई आर है ये भी तो जेड ही का मान है ना, इसका मतलब जैसे ही मोड एफ जेड लेस देन इक्वल देन एम है, इसका मतलब मोड एफ जेई आर लेस देन इक्वल देन एम हो जाएगा। तो हम इस मोड एफ जेई आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल देन एम और इनटू मोड जेड आर माइनस जेड आर माइनस वन, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए वापस के इंटीग्रेशन के अंदर, इसलिए मोड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड हमें तो इसी का वैल्यू फाइंड करना था। अब ये जो है इसके बराबर आ रहा है, तो इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड समीशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ जेई आर इंटू जेड आर माइनस जेड आर माइनस वन, इसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉड एफ जेई आर इंटू जेड आर माइनस वन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं लेस देन इक्वल देन, चिन्ह से ही तो वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट, फिर ये आ गया आपके पास में एन और इंटू मॉड जेड आर माइनस वन, तो ये भी मैंने लिख दिया मॉड जेड आर माइनस वन, ठीक है भाई। एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं, देखिए। हाँ भाई, अब इसको ध्यान देना, अब आपके पास में ये जो मॉड एफ जेड डी जेड है इसको देखिए जरा क्या बनेगा भाई, मॉड एफ जेड डी जेड। अब एम तो यहां पर कांस्टेंट राशि है तो मैं इसको लिमिट से बाहर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल देन एम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड जेड आर माइनस वन, और इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास में रहेगा एम और मॉड जेड आर माइनस वन, इसका लिमिट हमने देखा था जब मॉड डी जेड का इंटीग्रेशन हमने किया था, तो वहाँ हमने देखा कि जो मॉड जेड आर माइनस वन है ये आता है चाप सी की लंबाई के बराबर, और चाप सी की लंबाई यहाँ आपको दे दी गई है कि जो चाप की लंबाई है वो कितनी है L, L लंबाई वाले कंटूर, तो कंटूर की जो लंबाई है वो यहाँ पर कितनी है L, तो ये आ गया मॉड एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल देन एम एल। नेक्स्ट कोशिका समाकलन प्रमेय, कोशिका इंटीग्रल थ्योरम। तो देखिए स्टेटमेंट है, माना कि एक से संबद्ध प्रदेश G में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड संतत है, यदि जी में एक सी एक संवृत्त कंटूर हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। देखिए भाई इसको प्रूव करना है अब हमें, अब इसको प्रूव करना है तो देखिएगा एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड किस प्रकार का फलन दे दिया गया आपको, विश्लेषिक फलन है, और एफ जेड को हम लोग जानते हैं कि जो एफ जेड होता है इसको हम ऐसा ही लिखते हैं यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, मानक रूप में ऐसे ही लिखते हैं एफ जेड को, और एफ डैश जेड ये संतत आपको दिया गया था। अब देखो इसमें यहाँ पर जो जेड होता है
जेड होता है एक्स प्लस आई होटा वाई, इसका मतलब डी जेड क्या हो जाएगा भाई, इसके दोनों पक्षों का अगर अवकलन कर देंगे तो आप लोग, तो डी जेड आ जाएगा डी एक्स प्लस आई होटा डी वाई, ठीक है, ये आपके पास में डी जेड आ जाएगा। इसके अलावा देखो आपको दे दिया गया है कि जो एफ डैस जेड है वो कैसा है, संतत है, तो एफ डैस जेड ये हम लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आईओटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और कौशी रिमान समीकरण का अगर हम प्रयोग करें तो हम लोग जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स ये इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आईओटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल हुआ करता है माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये हमने माइनस लगा दिया और ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, एफ डैश जेड होता है और आपको दिया गया है कि एफ डैश जेड संतत है, तो चूंकि एफ डैश जेड संतत है, एफ डैश जेड संतत है, इसका मतलब यहां ये जो चारों आंशिक अवकलज है ये कैसे हैं, संतत है, तो इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई संतत है, ठीक है भाई, तो जैसे एफ डैस जेड संतत था ये चारों आंशिक अवकलज संतत होंगे। अब देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट, तो ग्रीन प्रमेय से, तो देखो ग्रीन प्रमेय क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और ध्यान रहे ग्रीन प्रमेय को हम तब ही यूज कर सकते हैं जब आपको दिया हुआ हो कि पी और क्यू संतत फलन है, तो पी और क्यू अगर संतत फलन हो तब ही आप लोग ग्रीन प्रमेय को यूज करेंगे, अन्यथा हम ग्रीन प्रमेय को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी और डेल पी अपॉन ये डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, तो ये ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब यहां से देखिए इस ग्रीन प्रमेय के स्टेटमेंट का यूज हम यहां पर कर लेंगे एफ जेड डी जेड में, तो इसमें किस प्रकार से करेंगे ध्यान देना भाई, आपको ये दिया हुआ था एफ जेड डी जेड, इसको हल करते हैं हम लोग एक बार, तो इंटीग्रेशन एफ जेड तो किसके बराबर है यू प्लस आयोटा वी, तो एफ जेड को तो हमने लिख दिया यू प्लस आयोटा वी, और ये जो आपका डी जेड है डी जेड को आप लोग क्या लिख दोगे डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, तो ये हमने डी जेड को लिख दिया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है, हल कर दो इसको, हल करोगे तो ध्यान देना भाई इसको व्यवस्थित इस प्रकार से कर लेना पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म में, यानी करना क्या आपको यहाँ से जो डी एक्स वाले पद होंगे उनको एक जगह कर लेना और डी वाई के पदों को एक जगह हम लोग कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा ये आपके पास में बनेगा यू डी एक्स और एक बार डी वाई का मैं लिख लूँ अगर, तो यहाँ से देखो जब आयोटा वी इस आयोटा डी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन और बचेगा वी डी वाई, है ना, एक डी एक्स तो दूसरा डी वाई, है ना, तो एक डी एक्स लिख लिया तो दूसरा डी वाई आ गया, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक बार, हाँ तो देखे भाई अब इसके अलावा देखो एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया और प्लस दूसरा इंटीग्रेशन इसमें जो बनेगा उसको देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी, अब देखो यू डी एक्स को तो हम लिख चुके हैं तो यहाँ से बचा आयोटा वी डी एक्स, तो आयोटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे भाई, आयोटा कॉमन ले लिया तो बन गया वी डी एक्स, और दूसरा आपके पास में जो बनेगा ये आ जाएगा आयोटा यू डी वाई, ठीक है, आयोटा कॉमन ले चुके हैं तो ये हो जाएगा प्लस यू डी वाई, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब आप लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे भाई इसमें देखो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई किसके बराबर रहेगा ध्यान देना भाई पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसको आपने क्या लिखा है सबसे पहले डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो ये लीजिएगा डबल इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपने लिखा है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और क्यू क्या था डी वाई का गुणांक, तो डी वाई को अगर हम क्या है माइनस वी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर क्या आ रहा है आपके पास में भाई माइनस, इसलिए आप भी क्या यूज करोगे माइनस डेल
पी अपॉन डेल वाई, तो पी का मतलब यहां हो गया यू, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है भाई। और दूसरा जो है उसको भी मैं लिख देता हूं इधर से इसको हटा करके, या नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी। अब इसको देखिएगा भाई, सबसे पहले डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, और यहां क्यू का मतलब क्या है आपका यू, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, पी का मतलब है वी, तो बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, तो इसको हल करने पर देखिए क्या बनेगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू, देखो भाई कौशी रीमान समीकरण से हम लोग जानते हैं कि जो डेल यू अपॉन डेल वाई है ये इक्वल हुआ करता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई को जैसे ही आप लोग माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखोगे, तो ये तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स या प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार से हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हुआ करता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, तो ये भी दोनों के हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर से क्या जाएगा आपके पास में जीरो। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड कितना आ गया भाई जीरो, ये हो गया आपका कोशी समाकलन प्रमेय। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं एक प्रमेय का जिसका स्टेटमेंट है, माना कि संवृत्त कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका कोई भी एक संवृत्त कंटूर है, ठीक है, इसके अंदर और ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत सी के अंदर के क्षेत्र को परिमित एन पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों के जलक्ष में। देखो एन ये जो कंटूर है इसके अंदर के क्षेत्र को हम एन पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों में विभक्त कर रहे हैं, तो विभक्त किस प्रकार से करेंगे ध्यान दो, इस प्रकार से ये लीजिए, ये हम विभक्त कर रहे हैं इसको पूर्ण और आंशिक वर्गों के जलक्ष में, इस प्रकार से है ना भाई, देखो इस प्रकार से ये लीजिएगा, ठीक है, ये बन गया आपके पास में पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों का जलक्ष, ठीक है। तो देखो ये आपका संवृत्त कंटूर था सी और इसके अंदर का क्षेत्र था, इसको आपने पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों के जलक्ष में विभाजित कर दिया है, ठीक है। ये जो आकृति है इसको हम बोलते हैं जलक्ष, है ना, ये जो आकृति है इसी को हम जलक्ष बोलते हैं, ऐसे पूर्ण वर्ग और आंशिक वर्ग बनाने के बाद में। अब इसमें देखो पूर्ण वर्ग तो क्या है, ये तो पूर्ण वर्ग है, जैसे ये वाला वर्ग है पूरा वर्ग है ना कंप्लीट है, तो ये तो क्या है आपके पास में पूर्ण वर्ग है। लेकिन जैसे हम इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा वर्ग इस कंटूर के अंदर नहीं आ रहा है, तो पूरा वर्ग कंटूर के अंदर नहीं आ रहा, तो ये वाला जो वर्ग है इसको आप लोग कहेंगे आंशिक वर्ग, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग और आंशिक वर्ग आपका क्लियर है, तो आगे बढ़िए। अब तो जलक्ष में इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है कि प्रत्येक सीजे, सीजे का मतलब यहाँ पर ये जो वर्ग है, सपोज ये सी वन है सी टू है सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स है ना, तो व्यापक रूप में आप लिख दिए सी जे। अब एन में विभक्त किया है इसलिए जे का वैल्यू वन से एन तक होगा। अब इनमें एक जेड जे इस प्रकार से विद्यमान होगा कि सी जे के अंदर, जेड जे मतलब कोई भी बिंदु हो सकता है कोई से भी वर्ग के अंदर, ठीक है, कि अंदर या ऊपर प्रत्येक बिंदु जेड के लिए मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटा जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे लेस देन एप्सिलॉन होगा, और जहां सी जे पूर्ण अथवा आंशिक वर्ग की परिसीमा है, ये वाली परिसीमा, ये तो पूर्ण वर्ग की परिसीमा हुई। इसी प्रकार से अगर आंशिक वर्ग की परिसीमा की बात करें तो जैसे ये वाली आ गई, ठीक है, तो सीजे क्या है यहाँ पर, या तो पूर्ण वर्ग की परिसीमा है या आंशिक वर्ग की परिसीमा है। तो याद रखिएगा जब भी कोई संवृत्त कंटूर होगा, इस प्रमेय का मैं केवल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, तो अब याद रखिए कि जब भी आपके पास में अगर कोई संवृत्त कंटूर है तो आप उसको पूर्ण और आंशिक वर्गों के जलक्ष में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं
कि मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटा जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे लेस देन एप्साइलन हो। हाँ भाई, अब हम देखेंगे कोसी का मूल प्रमेय या कोसी गुरशा प्रमेय। तो स्टेटमेंट है, माना कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, यदि जी में सी कोई संवृत्त कंटूर हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। देखिए भाई, सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है और जी में सी कोई संवृत्त कंटूर है। तो सपोज ये अपने पास में कोई संवृत्त कंटूर है भाई। अब संवृत्त कंटूर है तो जैलक्सी में हमने देखा था, हम क्या कर सकते हैं, संवृत्त कंटूर को पूर्ण वर्गों अथवा आंशिक वर्गों के जैलक्सी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कंटूर सी को पूर्ण या आंशिक वर्गों के जैलक्सी में विभाजित कर देता हूँ, तो वो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो ये लीजिएगा भाई, ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो कंटूर सी को सी वन सी टू सी थ्री सी एम पूर्ण वर्गों, कितने पूर्ण वर्ग हो गए सपोजिए एम, तो एम पूर्ण वर्गों, एम पूर्ण वर्गों तथा एन आंशिक वर्गों, एन आंशिक वर्गों डी वन डी टू डी थ्री डी के में विभक्त किया जा सकता है, डी के में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तुमने क्या किया, ये जो कंटूर आपके पास में था सी, इस कंटूर सी को एम पूर्ण वर्गों और एन आंशिक वर्गों के जलक्षे में विभाजित हमने कर दिया है। तो पूर्ण वर्ग जो है सी वन सी टू सी थ्री सी एम है और आंशिक वर्ग डी वन डी टू डी थ्री डी के है। ये डी एन, एन पूर्ण वर्गों में आंशिक वर्गों में डिवाइड किया है इसलिए डी एन तक होगा, ठीक है ना। तो एम पूर्ण वर्गों और एन आंशिक वर्गों में सबसे पहले हमने इस कंटूर को विभाजित कर दिया। अब देखिए कंटूर को इन जलक्षे में विभाजित करने के बाद में अब हम एक योग लिख रहे हैं और वो योग में क्या लिख रहा हूँ भाई, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ सी जे एफ जेड डी जेड और जे इक्वल टू वन टू एम, यानी कि ये आपके पास में सी जे का मतलब क्या है यहाँ पर पूर्ण वर्ग, तो ये जो पूर्ण वर्गों के अनुदिश जो समाकलन होगा, जैसे इस वर्ग के अनुदिश समाकलन करेंगे, इसके अनुदिश करेंगे, इन सब के अनुदिश करेंगे और इनका सबका क्या करेंगे योग, तो योग के लिए क्या हो गया समीकरण, और सी जे का मतलब पूर्ण वर्ग से है यहाँ पर, और प्लस इसी प्रकार से जब आंशिक वर्गों के अनुदिश इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी के एफ जेड डी जेड, और इनका भी जब आंशिक वर्गों का भी सबका योग कर देंगे तो आ जाएगा समीशन, और के का जो वैल्यू है वो यहाँ स्टार्ट होगा कहाँ से, वन से, और कहाँ तक होगा भाई एन आंशिक वर्ग है तो के का जो वैल्यू होगा ये आपके पास में आएगा वन टू एन। अब ये जो योग आ गया इसमें जो इंटीग्रेशन आपने किया है तो ध्यान रखिए इस इंटीग्रेशन की जो दिशा होगी हमेशा दक्षिणावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं कि यहां समाकल की दिशा, यहां समाकल की दिशा दक्षिणावर्त है, यहां समाकल की दिशा दक्षिणावर्त है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा ध्यान देना भाई, अब जैसे आपने इंटीग्रेशन की जो दिशा है वो आपने एंटी क्लॉकवाइज ले ली, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसी प्रकार से होगी अगर हम इस पूर्ण वर्ग की बात करें, है ना। अब देखो जैसे इस वर्ग में ही आ गई, अब ये जो दूसरे वाला वर्ग है ना इसको भी देखना एक बार ध्यान से, अब इसका जब हम लोग योग करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसका जैसे आप लोग करोगे ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से जब आप इसके अनुदिश करोगे, इसके अनुदिश करेंगे तो दिशा इस प्रकार से होगी। तो यहां जरा ध्यान से देखना भाई, एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे और वो क्या कि आप जैसे ही पूर्ण वर्गों के अनुदिश
एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इंटीग्रेशन आप लोग जब कर रहे हैं तो प्रत्येक सीधी रेखा के अनुदिश समाकलन दो बार हो रहा है। जैसे ये वाली सीधी रेखा, ये सीधी रेखा ही है ना, इसके अनुदिश समाकलन दो बार हो रहा है, एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, और दोनों जो समाकलन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, और वो सभी सीधी रेखाओं के लिए होगा, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इसके लिए भी देख सकते हैं, इसके लिए देख सकते हैं, इसके लिए इसी प्रकार से, तो सबके लिए सही होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सीधी रेखाओं के अनुदिश समाकल दो बार होता है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा भाई, संख्यात्मक मान तो सेम रहेगा लेकिन उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जिससे दोनों समाकलन आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जैसे ये दोनों कट जाएंगे, इसी प्रकार से ये दोनों कट जाएंगे, इसी प्रकार ये दोनों कट जाएंगे, यानी सीधी रेखाओं का जो टोटल समाकल है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, तो ये आ गया समाकल दक्षिणावर्त दिशा में है, इसलिए प्रत्येक सीधी रेखा के अनुदिश, इसलिए प्रत्येक सीधी रेखा के अनुदिश समाकल एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में दो बार होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में दो बार होता है, इसलिए सीधी रेखाओं के अनुदिश, इसलिए सीधी रेखाओं के अनुदिश समाकल आपस में कट जाएंगे, सीधी रेखाओं के अनुदिश समाकल आपस में कट जाएंगे तथा केवल वक्र परिसीमा के अनुदिश, केवल वक्र, एक बार मैं यहां से हटा दूंगा, इसको ऊपर से बैठा देता हूं, कोई काम नहीं है इसका अपने पास, ठीक है भाई। देखें तो था केवल वक्र परिसीमा के अनुदिश, वक्र परिसीमा के अनुदिश समाकल शेष रहेगा, केवल वक्र परिसीमा के अनुदिश समाकल शेष रहेगा, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, सीधी रेखाओं के अनुदिश जो समाकल है वो तो आपस में कट ही जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा प्रत्येक सीधी रेखा के अनुदिश समाकल दो बार हो रहा है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो वो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो अब आपके पास में बचेगा केवल वक्र परिसीमा के अनुदिश, ये वाली वक्र परिसीमा, और यही आपका क्या है, कंटूर सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो इंटीग्रेशन किया है, ये वाला जो योग आपने किया है, इसको अगर मैं नंबर फर्स्ट कर देता हूं इस योग को, तो इसलिए योग एक, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड के बराबर होगा। इसके बराबर क्यों होगा भाई, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है इस कंटूर के अनुदिश, और इसमें भी आपने देखा कि इसमें जो सीधी रेखाएं हैं इनके अनुदिश तो समाकल कट गया, बचा कौन सा, वक्र परिसीमा, वक्र परिसीमा का मतलब ये कंटूर, तो कंटूर के अनुदिश ही बचा केवल। तो ये जो योग होगा इसका, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड के बराबर होगा, बराबर है तो बराबर कर दीजिएगा, इसलिए एफ जेड डी जेड इक्वल टू समीशन जे इक्वल टू वन टू एम इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड प्लस समीशन के इक्वल टू वन टू एन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, और ये है आपका डी के, ठीक है भाई।
और इसको मैं कर देता हूँ अब इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ जे डी जेड आ गया, जो कि इन दो इंटीग्रेशंस के योग के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो ये पहला जो समीकरण है इसको ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देना भाई। इसको ज्ञात करने के लिए अभी हमने प्रमेय का देखी थी कि जब भी आप ऐसे जलाक्ष में विभाजित कर लेते हैं तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ जेड मॉड एफ जेड, है ना, ऐसा लिखते हैं आप मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटा जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही लिखा था अभी प्रमेय के स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, ये जो मोड एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटा जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे लेस देन एप्सिलॉन है। अब लेस देन एप्सिलॉन अगर है तो कोई ना कोई धनात्मक संख्या के बराबर भी तो होगा ही ना भाई, कोई भी वैल्यू हो। अगर आप कहते हैं किसी भी वास्तविक संख्या से छोटा है तो उससे छोटी कोई ना कोई दूसरी वास्तविक संख्या तो होगी जिसके बराबर भी है ये। तो अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है ये वाला वैल्यू, इसका मतलब किसी ना किसी के तो बराबर भी है। अब जिसके बराबर है वो मान लेते हैं कि सपोज ये ईटा जे जेड के बराबर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इस लेस देन की जगह मैं बराबर कर देता हूँ, और बराबर किसके कर दिया है इसको, ईटा जे जेड के, और धनात्मक संख्या के बराबर किया है इसलिए मोड लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो मोड हटा दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एफ जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए भाई यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एफ जेड इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ध्यान देना, एक तो जेड माइनस जेड जे से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जेड माइनस जेड जे जब इससे मल्टीप्लाई होगा एफ डैश जेड से, तो देखिए एक तो ये आ जाएगा जेड एफ डैश जेड जे, एक ही होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन पक्षांतरण कर देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा जेड जे एफ डैश जेड जे। इसके अलावा ये जेड माइनस जेड जे मल्टीप्लाई हो जाएगा एटा जे जेड से, तो प्लस जेड माइनस जेड जे और इनटू एटा जे जेड। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए कंटूर सी के अनुदेश, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले इसमें देखो ये वाला जो है जेड एफ डैश जेड जे है और ये वाला जेड जे एफ डैश जेड जे है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, तो इसको हम लिख लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड जे, तो इसमें देखो कॉन्स्टेंट है भाई, है ना, इनमें से दोनों में से एफ डैश जेड जे तो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो एफ डैश जेड जे कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको यहाँ बाहर कर देता हूँ और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड सी, और फिर माइनस इसमें तो देखो जेड है ही नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन हम जेड के सापेक्ष कर रहे हैं और जेड इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये तो पूरा ही कॉन्स्टेंट हो गया, तो पूरा ही कॉन्स्टेंट हो गया, तो जेड जे एफ डैश जेड जे इसको बाहर कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस इसको लिख लीजिएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड माइनस जेड जे जेड माइनस जेड जे ईटा जे जेड डी जेड ईटा जे जेड डी जेड। ठीक है भाई, ऐसा आपने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या बनता है देखते हैं हम लोग। भाई सबसे पहले आ गया आपके पास में, इसको हल करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब इसको देखना जरा ध्यान से भाई, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड हम लोग कर चुके हैं, जब चाप ए से बी तक होता है तो जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन है यह आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, लेकिन यहां जो कंटूर आपको दिया गया है ये सेवृत है, सेवृत का मतलब हो जाएगा कि दोनों बिंदु ए और बी इक्वल हैं, जिस बिंदु से स्टार्ट है उसी से उसी पर खत्म होता है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा
और a इक्वल टू b होते ही जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है आपके पास जीरो हो जाएगा। इसको भी देखिए भाई, डी जेड का इंटीग्रेशन भी हमने किया था, जब चाप के ए बिंदु ए से बी तक होता है तो डी जेड का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में आता है बी माइनस ए। अब चूंकि यहाँ जो चाप कंटू सी है ये संवृत है, संवृत का मतलब ए इक्वल टू बी है, इसलिए जो बी माइनस ए है इसका वैल्यू आपके पास में जीरो बन जाएगा। तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। अब इंटीग्रेशन बचा ये वाला आपके पास में, तो इसको हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी जे, ये सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी जे जेड माइनस जेड जे, इनको भी सी जे कर देना भाई सबको, तो जेड माइनस जेड जे ईटा जे जेड डी जेड, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन आपके पास में बचा है और इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर चार, ठीक है। अब यहां आप लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसको कंप्लीट हम लोग हल करेंगे। अब तो कंप्लीट हल किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, है ना, अभी हम सी जे के लिए कर रहे हैं, फिर एक बार जिस प्रकार डी के लिए कर लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, है ना। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है भाई, देखिएगा अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका मोड हम लोग करेंगे एक बार, तो देखते हैं इसका जो मोड है वो क्या बनेगा। तो इसका मोड करिएगा दोनों पक्षों का, तो मोड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड ये इक्वल हो जाएगा मोड इंटीग्रेशन ऑफ सी जे जेड माइनस जेड जे एटा जे जेड डी जेड। अब देखिएगा ये जो मॉड है इसको अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं तो चिन्ह आपके पास में आ जाता है लेस देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन इंटीग्रेशन ऑफ सी जे मॉड जेड माइनस जेड जे और इनटू मॉड एटा जे जेड डी जेड मॉड डी जेड, ठीक है। अब इन सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो अब यहां पर जो मोड जेड माइनस जेड जे है इसको हम लोग देखते हैं एक बार, तो ये क्या हो सकता है। तो यहां अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं नीचे से, तो देखिए यहां अब जेड और जेड जे क्या है, जैसे मान लीजिए आप जिस भी वर्ग सी जे के अनुदिश इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे इसके अनुदिश कर रहे हैं, तो इसमें जो जेड जे है वो तो इसके अंदर कोई भी एक बिंदु होता है और जेड इसकी परिधि पर यानी इसके ऊपर कोई बिंदु होता है जेड। तो अब मोड जेड माइनस जेड जे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो अब देखिएगा कोई भी वर्ग जो होता है उसके कोई भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी अधिकतम क्या हो सकती है, ये हम लोग जानते हैं कि वर्ग में कोई भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी अधिकतम होती है, कौन से दो बिंदुओं के मध्य, ये विकर्ण वाली जो दूरी होती है ये क्या होती है, अधिकतम होती है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी अधिकतम होती है जो कि क्या होती है, विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। अब विकर्ण की लंबाई अभी हमें नहीं पता क्या है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना वर्ग सी जे की लंबाई, माना वर्ग सी जे की भुजा की लंबाई एल जे, भुजा की लंबाई एल जे, क्षेत्रफल हमने मान लिया इसका ए जे, ठीक है, भुजा की लंबाई एल जे मान ली और क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया इसका ए जे। इसलिए अब बताइए मोड जेड माइनस जेड जे क्या है भाई, मोड जेड माइनस जेड जे मैक्सिमम क्या हो सकती है, विकर्ण की लंबाई के बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी रहेगी हमेशा विकर्ण की लंबाई से कम रहेगी। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अगर भुजा की लंबाई एल जे है तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण है भुजा का रूट दो गुना होता है, तो विकर्ण की लंबाई होगी रूट टू एल जे, तो यह आ जाएगी लेस देन इक्वल देन रूट टू एल जे।
और साथ ही में जो क्षेत्रफल है वो तो एजे ही ठीक है। और मोड ईटा जे जेड, ये तो हमने जब डेफिनेशन से देखा था तभी देखा था कि लेस देन क्या है ये एप्साइलन, तो इसका वैल्यू तो आप लोग पुट कर देंगे लेस देन एप्साइलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो वैल्यू पुट करेंगे तो मैं यहीं से हटा के वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई, देखो वैल्यू पुट करेंगे तो मोड एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल देन, अब देखो सबसे पहले मोड जेड माइनस जेड जे इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया रूट टू एल जे, तो ये आ गया लेस देन इक्वल देन रूट टू एल जे। और फिर देखिएगा मोड ईटा जे जेड हम जानते हैं लेस देन एप्साइलन है अभी डेफिनेशन से, तो इसका वैल्यू पुट कर दोगे आप लेस देन एप्साइलन, तो अब इक्वल को उठा देना बस लेस देन एप्साइलन रहने दीजिएगा। और अब ये आपके पास में बचा इंटीग्रेशन ऑफ सी जे मॉड डी जेड, ठीक है, अब मैं इसको हटा लेता हूं यहां से। तो देखिए भाई क्या बनेगा, मॉड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड लेस देन रूट टू एल जे एप्साइलन। अब इसको देखिए भाई मॉड डी जेड का इंटीग्रेशन हम जानते हैं चाप सी की लंबाई के बराबर होता है, अब चूंकि यहां सी जे के अनुदिश इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए जो मोड डी जेड है चाप सी जे की लंबाई के बराबर होगा। अब चाप सी जे, सी जे का मतलब क्या है वर्ग, और वर्ग की लंबाई यानी वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप लोग आप जानते हैं 4 इंटू भुजा होता है, तो वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा एल जे, और एल जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एल जे स्क्वायर। तो अब ये आपके पास में आ जाएगा मॉड एफ जेड डी जेड लेस देन 4 रूट टू और एल जे स्क्वायर, एल जे भुजा है ना तो भुजा स्क्वायर क्या बन जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये जो एल जे स्क्वायर क्षेत्रफल बन गया, और क्षेत्रफल आपने क्या लिखा था भाई ए जे एप्साइलन, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 आप लोग यहाँ कर देंगे। और जिस प्रकार से हमने यहाँ आंशिक वर्गों के लिए किया है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे एक बार पूर्ण वर्गों के लिए, तो पूर्ण वर्गों के लिए अब हम करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा भाई। तो इसी प्रकार आंशिक वर्ग डीके के लिए, ये तो हमने पूर्ण वर्ग के लिए किया था, अब आंशिक वर्ग डीके के लिए कर रहे हैं। तो माना आंशिक वर्ग जो है इसकी भुजा की लंबाई, एल के डैश लिख लेता हूं मैं, एल के डैश इसको हटा लेता हूं मैं, तो आंशिक वर्ग की भुजा की लंबाई एल के डैश, क्षेत्रफल ए के डैश तथा वक्र परिसीमा एस के है, ठीक है भाई ध्यान देना, जैसे कि ये वाला आपका आंशिक वर्ग है, ठीक है। अब इस आंशिक वर्ग की जो भुजा की लंबाई है, वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो तो आपने क्या ले लिया भाई एल के डैश ले ली, क्षेत्रफल इस वर्ग का आपने ए के डैश ले लिया, और वक्र परिसीमा मतलब ये वाली जो लंबाई है ये आपने कितनी मान ली है एस के, ठीक है भाई। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डी के एफ जेड डी जेड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी के अभी जो इसके लिए किया था ना हमने सी जे के लिए बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन रहेगा, बस सी जे के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे डी के। तो ये आपके पास में था जेड माइनस जेड जे था तो आपके पास जेड माइनस जेड के हो जाएगा, और ईटा के जेड या ईटा जे जेड जो भी है आप लिख लेना डी जेड, ठीक है। अब इसका मापांक जैसे आप इंटीग्रेशन के अंदर करोगे अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल देन इंटीग्रेशन ऑफ डी के मॉड
जेड माइनस जेड के मॉड ईटा के जेड एंड मॉड डी जेड, ठीक है। इधर से मैं हटा लेता हूं उसको, तो अब देखते हैं क्या बनता है भाई। इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अब मॉड जेड माइनस जेड के। अभी देखा था हमने जेड माइनस जेड के दोनों बिंदुओं की दूरी है, और जो कि अधिकतम हो सकती है किसके, विकर्ण की लंबाई के, तो विकर्ण की लंबाई से कम रहता है हमेशा। तो ये हो जाएगा मॉड डी के एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल देन रूट टू एल के डैश। फिर मॉड ईटा के जेड डी जेड, इसका तो हमें तो पहले से पता है ईटा के जेड का, तो ये लेस देन एप्साइलन होगा। अब आपके पास में बचा है इंटीग्रेशन ऑफ डी के मॉड डी जेड, ठीक है भाई। मॉड डी जेड बचे उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये अब आपके पास में आ जाएगा लेस देन रूट टू एप्साइलन एल के डैश। और मॉड डी जेड का इंटीग्रेशन हम जानते हैं चाप डी के की लंबाई के बराबर रहेगा, और डी के यहाँ पर क्या है भाई, आंशिक वर्ग है, तो आंशिक वर्ग की जो लंबाई है वो ध्यान दीजिएगा भाई क्या होगी, देखो इस प्रकार से है ना आंशिक वर्ग, तो इसमें वर्ग की भुजा की लंबाई आपने क्या मानी है एल के डैश, तो वर्ग का जो परिमाप है ये तो देगा 4 एल के डैश, लेकिन इसमें वक्र परिसीमा भी है, तो इसको मैंने इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली एस के, तो ये जो मॉड डी जेड होगा इसकी पूरी ये जो लंबाई है ये इससे कम रहेगी ना 4 एल के डैश प्लस एस के से, कम क्यों रहेगी, क्योंकि जैसे मानो ये पूर्ण वर्ग है आपका, अब इसमें वक्र परिसीमा तो इस प्रकार से गुजर गई। अब भाई आप जो बात करना चाह रहे हैं डी के, डी के तो ये है, ध्यान दो भाई डी के तो ये वाला है ना, ये डी के है आपके पास में, ये डी के है, जबकि ये 4 एल के डैश प्लस एस के हमने जो लिखा है वो ये है 4 एल के डैश, तो ये आ गई पूरी लंबाई आपके पास में वर्ग की, और प्लस उसमें एस के ये और ऐड कर दी, ठीक है। तो आपके पास में जो डी के की लंबाई है वो 4 एल के डैश प्लस एस के से क्या रहेगी, कम रहेगी, तो लेस देन 4 एल के डैश प्लस एस के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड इंटीग्रेशन ऑफ डी के एफ जेड डी जेड लेस देन, देखो 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 एप्साइलन एल के डैश स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आपने ए के डैश माना है तो ए के डैश हो जाएगा, और प्लस दूसरा ये आपके पास में हो जाएगा √2 एप्साइलन एल के डैश एस के, ठीक है भाई। और इसको मैं इक्वेशन नंबर कर देता हूँ अब 4, तो ये हमने इक्वेशन नंबर कर दिया इसको कितना 4, ठीक है। तो हमने पूर्ण वर्ग के लिए भी कर लिया, आंशिक वर्ग के लिए भी कर लिया, इनका दोनों का वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसको मैं हटा लेता हूं एक बार, हाँ तो भाई देखिएगा अब इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू समीशन जे इक्वल टू 1 to m सी जे एफ जेड डी जेड, इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा लेस देन, तो बराबर की जगह आप लोग कर देंगे लेस देन 4√2 एप्साइलन ए जे, और प्लस समीशन के इक्वल टू 1 to n इसका वैल्यू पुट करिए, तो लेस देन तो आपने कर ही दिया, और ये वाला वैल्यू पुट कर दो 4√2 एप्साइलन, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए भी 4√2 एप्साइलन ए के डैश प्लस √2 एप्साइलन एल के डैश एस के, ठीक है भाई। अब इसको हल करिए तो लेस देन, अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, इनको दोनों को एक जगह कर लेते हैं, तो इनको दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन क्या आ जाएगा भाई 4√2
एप्साइलन, इसको कॉमन ले लिया तो फिर बचेगा समीशन जे इक्वल टू वन टू एम प्लस समीशन ए जे, यहाँ से ए जे बचा है, और प्लस यहाँ से समीशन के इक्वल टू वन टू एन फॉर रूट टू एप्साइलन कॉमन आ गया, तो बचा आपके पास में ए के डैश, ठीक है भाई। और इसके अलावा ये आपका शेष रह गया, उसको भी मैं लिख देता हूँ, ये जो शेष बचा उसको भी लिख दीजिएगा, प्लस इसमें देखो फॉर रूट टू एप्साइलन ये तो कांस्टेंट है, तो अब आपके पास बचा है समीशन के इक्वल टू वन टू एन एल के डैश एस के, ठीक है भाई। अब इसको और थोड़ा हल कर दीजिएगा, हटा देता हूँ मैं इसको यहाँ से, तो अब देखिए भाई क्या बनेगा, लेस देन, तो अब ध्यान देना आपका जो जलाक्षी था वो इस प्रकार से था, देखिएगा ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जलाक्षी था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ग है जो इस पूरे कंटूर को अंतर्विष्ट कर रहा है उसकी भुजा की लंबाई ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग ले लेंगे, तो माना वर्ग जो कंटूर सी को अंतर्विष्ट करता है, वर्ग जो कंटूर सी को अंतर्विष्ट करता है कि भुजा की लंबाई एल, ठीक है, भुजा की लंबाई क्या ले ली हमने, एल या ए ले लेता हूं मैं, इसके भुजा की लंबाई स्मॉल ए ले ली, और क्षेत्रफल हमने ले लिया है कैपिटल ए, ये जो बड़े वाला वर्ग है पूरा इसका क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया, ए, तथा ये कंटूर सी जो आपके पास में है इसकी लंबाई हमने मान ली सपोज एल है, कंटूर सी की लंबाई एल है, तो अब इसको हल करिएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू, देखिए भाई क्या आएगा, फॉर रूट टू एप्साइलन, ये लेस देन फॉर रूट टू एप्साइलन, मोड कर देना इसका साथ में, है ना, मोड मोड, ठीक है, क्योंकि ये मोड करके वैल्यू ज्ञात किया हुआ हमने, तो इसलिए मैंने मोड कर दिया यहाँ पर, तो मोड एफ जेड डी जेड लेस देन फॉर रूट टू एप्साइलन, अब इसको देखिएगा समीशन एजे प्लस समीशन ए के डैश, एजे का मतलब तो क्या है, पूर्ण वर्ग है सारे, पूर्ण वर्गों का क्षेत्रफल, ए के डैश का मतलब आंशिक वर्गों का क्षेत्रफल, तो इसमें जितने भी पूर्ण वर्ग बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल और जितने भी आंशिक वर्ग बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल, तो उन सबका क्षेत्रफल अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो ये पूरा बड़े वाला वर्ग आपको मिल जाएगा, जिसका क्षेत्रफल आपने क्या माना है, कैपिटल ए, इसका मतलब ये इनका दोनों का जो योग है ये कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा, प्लस रूट टू एप्साइलन एल के डैश एस के, अब इसमें देखो जो एल के डैश है आंशिक वर्ग की भुजा की लंबाई है, जो कि इस ए से तो छोटी होगी ना हमेशा, क्योंकि जो ए तो क्या है यहाँ पर, इस पूरे बड़े वाले वर्ग की भुजा है, तो आंशिक वर्ग इसके अंदर ही तो बन रहा है, इसका मतलब जो एल के डैश है वो लेस देन ए होगा, तो एल के डैश का वैल्यू पुट कर दिया लेस देन ए, तो लेस देन ए जब आपने कर दिया तो फिर बचे आपके पास में समीशन के इक्वल टू वन टू एन एस के, अब ऊपर से मैं हटा लेता हूं एक बार, तो देखिए भाई अभी हो जाएगा मॉड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड लेस देन फॉर रूट टू एप्साइलन ए प्लस रूट टू एप्साइलन स्मॉल ए, और अब इसको देखिएगा समीशन एस के, एस के क्या है यहाँ पर, वक्र परिसीमा की लंबाई, जैसे कि ये वाली आ गई, फिर ये आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, तो इनको सबको आप लोग जैसे ही जोड़ देंगे तो पूरा कंटूर सी आपको मिल जाएगा, और कंटूर सी की लंबाई कितनी है अपने पास में, एल, तो ये इसका वैल्यू पुट कर दिया हमने क्या, एल,
अब इनमें से दोनों में से आप लोग देख सकते हैं कि रूट टू एप्साइलन आ जाएगा कॉमन, तो रूट टू एप्साइलन कॉमन ले लिए, रूट टू एप्साइलन को कॉमन लिया तो बचा 4a और प्लस यहाँ से आपके पास में बचेगा ए एल, ए एल, ठीक है। तो मॉड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड लेस देन हो गया रूट टू एप्साइलन, और ये जो 4a प्लस ए एल एक कांस्टेंट राशि है जिसको हमने मान लिया है सपोज बीटा। अब एक बार मैं इसको हटा लेता हूं यहां से, तो देखिए भाई यदि एप्साइलन टेंड्स टू जीरो, इस गैलेक्सी में जो एप्साइलन होता है वो हमेशा टेंड्स टू क्या होगा, जीरो। तो यदि एप्साइलन टेंड्स टू जीरो तो आप लोग देख सकते हैं जैसे एप्साइलन को जीरो करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेंड्स टू जीरो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इस प्रकार से कोशिका समकोशी समाकलन का मूल प्रमेय या कोशी गुरसा प्रमेय की उपपत्ति पूर्ण होती है।